एज देखिए, एस्टिमेटेड एज जो है इसकी 30-35 साल, जो कैप्टिविटी में हम लोगों को मालूम है, क्योंकि 30-35 साल हम लोगों ने बर्ड्स यहाँ पर रखती है, और ओवरऑल इसकी एज का भी एक्यूरेट वाइल्ड का डाटा इस टाइम अवेलेबल नहीं है मेरे पास, लेकिन जो हमारी कैप्टिविटी में चिड़ियाघर में वो 30-35 साल हम ये सर्वाइव करती जीती है। ये फीमेल है, अगर कहीं से हमारे पास मेल बर्ड जैसे हमारे पास है, इसकी ब्रीडिंग अगर यहाँ हो जाती है और इसकी प्रोजेनी अगर आगे बढ़ती है और उस प्रोजेनी को फिर उसी फ्लॉक में छोड़ा जाता है, ऐसा कुछ अगर निर्देश ऊपर से मिलता है, तो एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम लोग एक नया जीन इंट्रोड्यूस करके उसको फिर माइग्रेटरी बर्ड के साथ, वो हम जो बच्चे हो सकते हैं या उनको हम उसमें अगर संभावना ऐसी बनती है आगे। तो हमारे यहाँ 4 डॉक्टर हैं, सभी लोग उसको देख रहे हैं, तो उसको अभी बैंडेज वगैरह किया गया है, अब देखिए उसको घाव छोड़ने में टाइम लगता है। हालांकि उसने खाना पीना शुरू कर दिया है, इसलिए हम लोग होपफुल हैं, आशावादी हैं कि जब चूँ खा रही है तो उसकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, और जब हेल्थ मेंटेन रहेगी तो निश्चित रूप से सुधार होगा।